हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं गोभी और आलू और मिर्च का मिक्स भजिया। चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। गोभी को पहले बॉयल कर लेंगे। यह स्लाइस के रूप में एक उबाल लगाएंगे, तब उतार लेंगे। मैंने मिर्च को भी बीच से चीरा लगा लिया है। बॉयल हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। बस एक उबाल ही लाना था। ले लेंगे बेसन, इसे छान लिया है। इसमें मिलाएंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मीठा सोडा, मिक्स कर लेते हैं। अब इसका घोल तैयार कर लेंगे पकौड़े के लिए। घोल बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी कर। बेसन का घोल रेडी हो चुका है पकौड़ी भजियों के लिए। हरे को डाल देंगे गोभी को, जो बॉयल गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे चलिए तलेंगे। अलग पलट के इसे लाल करके निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं। चलिए भजिया रेडी है गोभी का, अब आलू का बनाएंगे। मिर्ची को डाल के मिर्च का भजिया भी रेडी हो चुका है। ये भजिया रेडी हो चुकी है, अब आलू भी डाल देते हैं। आलू के भी रेडी हो चुकी है भजिया, पहले निकाल लेते हैं। मेरा भजिया रेडी हो चुका है। कैसा लगा आपको मेरा रेसिपी? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट में बताएं कि कैसा बनाए भजिया, आलू गोभी और मिर्च का मिक्स भजिया, भजिया स्नैक्स कितना टेस्टी लग रहा है। अभी बना कर ट्राई करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले रेसिपी, मिलते हैं, तब तक बाय बाय।